हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज हम बनाएंगे अरवी की बहुत ही शानदार सी सब्ज़ी। तो बस इस तरीके से आप सब्ज़ी बनाइए और फिर देखिए इसका जायका। जो लोग इसे नहीं खाते हैं वो भी उंगलियां चाट के खाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से अरवी की सब्ज़ी बनाना। तो अरवी की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमने अरवी को और दो आलू को दो सीटी के साथ हमने उबाल लिया है और इसका छिलका हटा के और इसे टुकड़ों में काट लिया है। ये अरवी को हमने लंबा लंबा काटा है, अगर आप चाहें तो इसे गोल गोल भी काट सकते हैं। और ये कुछ मसाले ले लेते हैं। तो ये एक चम्मच पीली सरसों है, एक चम्मच धनिया, एक चम्मच जीरा और ये 8-10 काली मिर्च है। बस इससे ज़्यादा हमें और कोई मसाला नहीं चाहिए। तो इसे हम ले लेंगे एक मिक्सर जार में और ये 3 हरे मिर्चें और ये 15-20 लहसुन की कलियाँ। लहसुन की मात्रा इसमें ज़्यादा रहे तो अच्छा लगता है। और ये एक चम्मच नमक और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और अब बस इसका ढक्कन लगा के इसे बारीक पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पे हमने गैस पे कढ़ाई रख दिया है, उसमें डाल देंगे 3-4 चम्मच सरसों का तेल और इसे गर्म होने देते हैं। तो जब तेल गर्म हो गया है अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच पंचफोरन। पंचफोरन में अजवाइन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखें क्योंकि अरवी के सब्ज़ी में अजवाइन बहुत ही टेस्टी लगता है। और अब डाल देंगे पीसे हुए मसाले। आंच को मीडियम रखेंगे और इसे चलाते हुए एक बार भून लेते हैं। अब थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मिला देंगे मीट मसाला और ये है थोड़ी सी अच्छी सी रंगत देने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और इन सबको हम एक बार चलाते हुए फिर से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि मसाले जले ना। दोस्तों इसे भूनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ठंडा मसाला है। और अब इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर और ये थोड़ा सा चाट मसाला और इन सब को चलाते हुए अच्छे से एक बार भून लेंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी और पानी को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब आंच को मीडियम रखेंगे और इसका ढक्कन लगा के इसे टमाटर को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। और एक उपाय हम और कर लेते हैं। ये लिया है हमने 1 चम्मच कसूरी मेथी। तो इसे गरम करने के लिए हम प्लेट पर ही रख देंगे। जब ये गरम हो जाए तो इसे मसल के डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल गरम हो चुका है और ये बिल्कुल कुरकुरा सा हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसे मसल के और सीधे हम सब्ज़ी में ही डाल देंगे। और अब इसे मिक्स कर लेते हैं और ये टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो इसे इस तरीके से थोड़ा सा मैश कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए मसाला बनके बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं अरवी और आलू। अगर आपको आलू ना पसंद हो तो मत मिलाइए, लेकिन इसमें आलू और अरवी दोनों का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और अब इसमें डाल देंगे गरम किया हुआ पानी। पानी जब भी सब्जी में मिलाएं तो हमेशा गरम किया हुआ मिलाएं, जिससे कि टेस्ट भी अच्छा लगता है और ये सब्जी जल्दी से पक भी जाती है। तो बस इसका ढक्कन लगा के इसे उबाल आने तक पकने देते हैं और ये लगभग 2-3 मिनट बाद ढक्कन को हटाएंगे और ये बहुत ही अच्छा सा उबाल आ रहा है सब्जी में और सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। तो बस अब गैस को बंद कर देंगे और इसमें मिला देंगे कटी हुई धनिया पत्ती। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक बार अरवी की सब्ज़ी बनाइए और देखिए फिर जो लोग नहीं खाते हैं वो लोग भी उंगलियां चाट के खाएंगे। और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों आप भी बनाइए और एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।